सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं रेडमी के एक अफोर्डेबल आईपैड की, जो कि पाकिस्तान में एक कंपटीटर है और दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसके क्या प्राइस पाकिस्तान में रखा गया है और कंप्लीट रिव्यू भी जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यह है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा कि ये परफॉर्मेंस वाइज लुक वाइज आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो 4 GB का रैम होगा जो कि 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आप यूज करोगे। दोस्तों अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर यूज करोगे, जो कि अगर हम इक्वल करें तो स्नैपड्रैगन 732G के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है मैच करता हुआ है। स्क्रीन के हवाले से अगर बात करें तो 10.61 इंचेस का होगा IPS LCD के साथ है, जो कि आप 2K रेजोल्यूशन के साथ जो आप यूज करोगे। 90Hz का जो है रिफ्रेश रेट भी इसमें दिया गया है। 400 निट्स पीक ब्राइटनेस आप यूज़ करोगे जो कि सपोर्ट करेगा 1 बिलियन कलर्स को। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो इसमें रखा गया है वो ये कि एंड्रॉयड 12 जो कि एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे। और अगर हम कैमरे के बारे से बात करें तो इसका जो फ्रंट और बैक कैमरा है वो 8 MP का होगा, जो कि कैपेबल होगा 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वो भी 30 FPS पर। और अगर हम बैटरी के हवाले से बात करें तो 8000 mAh की बैटरी है, जो कि आप जो है बहुत बड़ी बैटरी है। और यह कि इसको आप 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ जो आप यूज़ करोगे। और दोस्तों जो आप लोग सबों को इंतज़ार है इसके प्राइस के बारे में कि पाकिस्तान में क्या प्राइस है, तो वो प्राइस जो है पाकिस्तान में जो अवेलेबल होगा, जो कि MI स्टोर से भी आप परचेस कर सकते हो, 57,500 में जो है आप इसको अवेल कर सकते हो, जो कि मैं समझता हूँ कि एक रीजनेबल प्राइस और इतने सारे लॉट ऑफ फीचर्स के साथ आपको मिलने जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। फिर ये कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी।